हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमअप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंस्टेंट वाइटनिंग ब्राइटनिंग रेमेडी, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइटन ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाएगी, साथ ही साथ स्किन को स्पॉटलेस बनाएगी। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें मैंने जितने भी चीज़ें यूज़ की हैं वो ईजिली आपको आपके घर में मिल जाएंगी और ईजिली आप इसे बना भी सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के हमें इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 2 चम्मच बेसन यानी ग्राम फ्लावर। बेसन आपकी स्किन से दाग धब्बे झाइयों को दूर करेगा, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करके डार्क स्पॉट्स को हटाएगा और आपकी स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाएगा। तो आप इसमें कम से कम 2 चम्मच बेसन ऐड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन ऐड कर लिया है। अगर आपको बेसन सूप नहीं होता है तो आप इसमें घर का आटा भी ले सकते हैं, जो गेहूँ का आटा होता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे स्किन स्पॉटलेस होती है। हल्दी ऐड करने के बाद लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है 3 चम्मच रोज़ वाटर। आपको इसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। रोज़ वाटर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, डीपली क्लीन करेगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा और आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाएगा। रोज़ वाटर ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमारा DIY पैक एकदम रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए, जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो अब हमारा DIY इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग समर स्पेशल पैक एकदम रेडी हो चुका है। अब इसे यूज़ किस तरीके से करना है मैं आपको बताती हूँ। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि आपके फेस पे जो भी डस्ट है, डर्ट है, रिमूव हो जाए। और उसके बाद आपको मसाज करते हुए इसको अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से आपको स्मूथली मसाज करनी है। अपने फेस को ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल नहीं रगड़ना है, बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है। और आप जब जैसे जैसे मसाज करेंगे तो आपके स्किन पे अगर डेड स्किन की प्रॉब्लम है तो वो रिमूव हो जाएगी, साथ ही साथ आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा मसाज करने से, तो आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा। तो आपको बहुत ही स्मूथली कम से कम 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है। इस रेमेडी को आप अपने हैंड्स पर, अपने नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि डार्कनेस हो गई है वहाँ पर आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है, इससे आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा बल्कि स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। इस पैक को मसाज करने के बाद आपको सूखने के लिए छोड़ देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। तो आप इस DIY रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, शाइनी बनाएगी। और गर्मियों के मौसम में तो वैसे भी बहुत लोगों को सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन गर्मियों के मौसम में भी ग्लो करती रहे तो ये रेमेडी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।